हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है 11 बजे से और अभी हम लोग बैठ रखे हैं यहाँ लाइब्रेरी की छत पे। हम सुबह आ गए थे 7 साढ़े 7 बजे, उसके बाद अभी तक हमने थोड़ी देर पढ़ाई की और अभी हम छत पे आके बैठ गए क्योंकि हमने कल एक दूसरे को टारगेट दिया था कि ये तू ये घर से पढ़ के आएगी और मैं ये घर से पढ़ के आऊँगी। तो अभी हम दोनों एक दूसरे को पूछेंगे किसको कितना याद हुआ है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, आप अगर किसी लाइब्रेरी में जाते हो तो अपने दोस्त के साथ उस चीज़ को बोलिए कि हाँ मतलब ये टारगेट है आज का और इसे करके आना है इस तरीके से, तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। तो अभी हम दोनों देखते हैं कि किसको कितना याद होता है। आज मुझे इस लड़की पर पूरा भरोसा है कि अपना टारगेट कम्प्लीट करके आई होगी, अगर नहीं आई होगी तो आज इसे पड़ेगी मार। और इसके बेचारी की तबीयत ख़राब है, इसके मुँह में छाले छूले हो गए और शायद इसको बुखार भी फील हो रहा। आँतों में भी बल इसके छाले आ गए, मतलब टाइफाइड माउथ अल्सर हो गया बेचारी को इसको। और ये हमारे पानी की बॉटल, ये मेरे नोट्स और ये इसकी बुक। अब देखते हैं कितना याद है इसको। है रे, कर रखा है आज याद? बताना थोड़ा थोड़ा क्या क्या दिया था कल टारगेट, बताना। क्या मतलब? हाँ, पॉलिटी का टारगेट था, एक तो राष्ट्रपति देर का था, राज्यपाल देर का था और इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग वगैरह, है ना। चलो तो करते हैं शुरुआत आपके इंटरव्यू की। 26 वैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी तक ही खोल लेती देखने के लिए, चिटिंग करने के लिए। गाइस ये मेरे नोट्स जो मैंने बनाए थे इंस्टीट्यूट जब मैं पढ़ती थी। गाइस ये खान सर की बुक्स, अगर आपको कैरी करनी होगी तो कर सकते हो ऑनलाइन। खान सर की नोट्स की बुक है ये भी, बहुत अच्छी है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब चीज़ों की अलग अलग है। अगर आप भी इसको बाई करना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन ईजिली मिल जा रही है और बहुत अच्छे नोट्स हैं इसमें। बहुत बढ़िया बुक है ये भी, पूरा इम्पॉर्टेंट है, मतलब ऐसे रदड़ बदड़ नहीं देर का कुछ भी नहीं। हाँ, सारा इम्पॉर्टेंट है। तो आप न्यायाधीश हाई कोर्ट, यहीं पे गलत होता है गाइस। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, निर्वाचन शपथ वो दिलाते हैं हाई कोर्ट की। ये याद रखना कि जो राज्यपाल की नियुक्ति वो हमेशा राष्ट्रपति करता है और उसको जो शपथ दिलाता है, उसके पद की शपथ जो दिलाता है उसे, वो दिलाता है आपको मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, हाई कोर्ट के। हाँ मतलब वही हाई कोर्ट के न्यायाधीश। चलो अब ये बता, राज्यपाल की पदावधि कौन से आर्टिकल में है? क्या पदावधि मतलब कब तक कार्य करेगा? 5 वर्ष के लिए। हाँ, कार्यकाल 156, ठीक है। योग्यताएं तो वही है, योग्यताएं तो वही है कि 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। गाइज ये लड़की परसों की तरह आपको राष्ट्रपति की वो जितने भी आर्टिकल्स में राष्ट्रपति आते हैं उसकी आपको वो ट्रिक बताने वाली। बट भाई बता, गाइस सुनो, इसकी ट्रिक है, मैंने खान सर की बुक से ही याद करी है थोड़ी बहुत। तो उसको हटा, इससे तो नहीं सुन रही दुकान में। कुछ नहीं सुन दिया, इसमें फोन रखा हुआ इधर, इसमें क्या होगा। हाँ चल बोल। उनके बुक में लिखा हुआ राष्ट्रपति जैसे आर्टिकल भाग 5 में है ना, संघ दिया हुआ तो उसमें है, तो 52 से लेकर 60 तक के उसमें, तो 60 तक तो राष्ट्रपति आते हैं, तो इसलिए उसकी एक चीज बनाया थी सर ने, पकानी काका दुयुदशम, तो प से राष्ट्रपति का पद जो कि 52 में है, और का से कार्यपालिका का क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और पकानी नी से निर्वाचन, और पकानी को का का दुयोदशम लिख के याद कर दिया। हाँ लिख लिख लिख, नहीं दे दो ना, इधर लिख रही फिर उसके ऊपर लिख दे, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे तब मेरे को भी हो जाएगी याद। पकानी कोका दुयो दशम, पकानी काका दुयो दशम है गाइज राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति का पद जो कि 53। हाँ इसमें कार्यपालिका क्या क्या होता है, अध्यक्ष, और नी से है निर्वाचन, और को से होता है कोटा, मतलब जिन जो इनकी सैलरी वगैरह देते हैं उसमें,
और इससे है कार्यकाल जो कि कितने होता है राष्ट्रपति का, 6 साल, और दूसरे दोबारा निर्वाचन होता है इसमें, दोबारा निर्वाचन, और 10 से यूज होता है योग्यता जो कि सेम ही होती है सारे सब की, 10 से होता है दशाएं, मतलब क्या क्या इनको शर्तें पूरी करनी पड़ती है इसके लिए, और 6 से होता है शपथ जो कि इनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और 9 से होता है महाभियोग जो कि 61 में होता है इम्पीचमेंट, महाभियोग इम्पीचमेंट 61 में होता है ये, मतलब अब मुझे राज्यसभा भी और लोकसभा दोनों बता सकते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। पकानी कोका दोयोदशम, पकानी कोका दोयोदशम। ठीक है जी, आपने क्या बोला, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल। सरकार जब 5 साल की रहती है, 5 साल है? मतलब मैं राज्यपाल के उसमें चली गई थी, थोड़ा 5 साल का होता है। चल ठीक है, गुड नाइस, अच्छा याद किया तूने आज। सो हेलो गाइस, मैंने इनको स्थानीय स्वशासन के बारे में याद करने के लिए दिया था, तो आपको अब बताने वाले हैं, देखते हैं इन्होंने कितना याद किया है और क्या क्या आपके लिए आज नया कुछ मिलने वाला है जानने के लिए। नया तो कुछ क्या यार, स्थानीय स्वशासन इम्पोर्टेंट है, वो सबने ही पढ़ रखा होगा बात है। जैसे जिसमें पंचायती राज वगैरह आता है, तो मैंने पंचायती राज के बारे में पढ़ रखा है, मतलब थोड़ा बहुत, कि पंचायती राज के लिए किस किस ने वो दिए थे अपने, क्या बोलते हैं उसका नाम, समितियाँ बनी थी ना बहुत सारी। हाँ। जैसे पहली समिति जो बनी थी उसके लिए वो थी बलवंत राय मेहता समिति, 1957 में बनी थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायत का वो दिया था कि मतलब 3 स्तर की पंचायत होनी चाहिए, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद होनी चाहिए, इस तरीके से। ऐसी फिर एक अशोक मेहता समिति आई जो 1977 की है, उसने क्या बोला, उसने भी यही बोला कि मतलब पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए। इसी तरीके से एल एम सिंघवी की समिति है, जे वी के राव समितियाँ हैं, गॉडविल समिति है, बहुत सारी समितियाँ आई थी इसके लिए। पर लेकिन इसका जो मतलब पंचायती राज का जो वास्तुकार और शिल्पकार माना जाता है ना, वो बलवंत राय समिति को ही माना जाता है, क्योंकि उसी के तर्ज पे बोला गया था। और अशोक मेहता समिति की इम्पोर्टेंट बात एक ये है, जो उसने मतलब सिफारिश की थी, उसने सिफारिश की थी कि मतलब जो तुम ये बनाओगे पंचायती राज व्यवस्था जो करोगे, इनके इन निकायों को मतलब संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। अशोक मेहता समिति 1977 के, हाँ, तो उसी ने ये सब चीज़ें बताई थी कि मतलब इस टाइम पे ये सब कुछ उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो उसकी तर्ज पे उसकी भी थी, और शायद एल एम सिंघवी समिति ने भी ये बात बोली थी। तो उसकी तर्ज पे सबसे पहले तो वैसे 64वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, राजीव गांधी की सरकार के टाइम पे। तो उसमें संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात तो की गई उस अधिनियम में, 64वें संविधान संशोधन अधिनियम में, लेकिन ये बिल लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, खारिज हो गई ये। तो उसके बाद फिर से इस चीज़ पे मतलब काम किया गया, तो 73वें संविधान संशोधन में नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम पे वो हुआ था 1992 में, है ना, इसको वापस से इस अधिनियम को खोला गया, फिर इसको पारित किया गया। तो इस टाइम पे ये राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह से पारित हो गया था, और फिर इसको 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसलिए इसे पता क्या बोला जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसी कारण, क्योंकि इसको 24 अप्रैल को उस अधिनियम को पारित किया गया था। और दूसरी बात यह है कि जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जो है हमारे संविधान में भाग 9 तो पहले से था, भाग 9 का जोड़ा गया है, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए मतलब बहुत सारे नियम बनाए गए कि ये सारे नियम हैं। तो इसमें आर्टिकल ना 243 ओ तक है पूरा, मतलब मेरे को हिंदी में याद है 243 अणा तक ओ तक है पूरा का पूरा। तो इसमें पंचायती राज की, इन सब आर्टिकल्स में पंचायती राज के बारे में बता रखा है। इसमें इम्पोर्टेंट जैसे 243 आई है, जिसमें पंचायती राज मतलब राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई है, पंचायत की जो से 243 में तो परिभाषा ही है, 243 ए में ग्राम सभा है, ग्राम सभा का मतलब होता है कि जहाँ मतलब ग्राम सभा मतलब जैसे 18 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी है वो मतलब एक समूह में रहते हैं, तो उसको ग्राम सभा बोलते हैं। इस तरीके से पूरे आर्टिकल में दे रखा है, तो आप लोगों को आर्टिकल भी ज़रूर पढ़ें, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
और बाकी यही सब चीज़ें पढ़ रखी है मैंने पंजाबी राष्ट्र। तो गाइज़ हम दोनों ने एक जो हम दोनों एक दूसरे को टारगेट दिया था इसको हमने बहुत अच्छे से बखूबी निभाया है और बहुत अच्छे से इसने भी याद किया है, मैंने भी याद किया है। और हमने जो चीज़ें बोली हो सके इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आपको लगे तो आप इस चीज़ कुछ गलत हो तो आप हाँ करेक्शन कर देना। ये हम टीचर नहीं है, हम भी स्टूडेंट हैं, नॉर्मल पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हम भी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ आपको ऐसा लगेगा कि इसमें करेक्शन करना है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चीज़ आप गलत पढ़ रहे हो, इस चीज़ का करेक्शन ये है। जैसे कि पहले वाले ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं कि चमोली को अब माना जाता है, तो मुझे अच्छा लगा कि लोग मतलब देख रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में करेक्ट भी कर रहे हैं, मुझे ख़राब नहीं लगती है वो चीज़। तो आप लोग करेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूँ और साथ में हम आबकारी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, तो आप लोग भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं। जैसे कि जो टॉपिक गाइज़ अभी वो चली गई है घर अपने खाना खाने के लिए और मैं तो नहीं जाती हूँ अभी खाना खाने, मैं अब शाम को ही जाऊँगी घर वापस। तो ऐसे अगर ज़्यादा भूख लगी तो जा भी सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, पास में ही है घर। और आज पता नहीं फ़ोन को भी क्या हो गया, इसमें भी वीडियो रुक रुक के बन रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ख़राब हो गया। थोड़ी देर छत में बैठती हूँ, मैं अभी पढ़ती हूँ थोड़ी देर छत पे बैठ के एक दो टॉपिक, फिर उसके बाद मैं अभी नीचे चली जाऊँगी लाइब्रेरी में। आप लोग भी पढ़िए जम के। सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन होना ना होना ये सब मैटर नहीं करता, फिलहाल मैटर करता है कि तुम कितनी प्रिपरेशन कर रहे हो, कितनी तैयारी कर रहे हो। मेरे हिसाब से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन होना ज़रूरी है 100%। अरे पढ़ते रहो यार, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, बस कंटिन्यूटी मत तोड़ना, क्योंकि कंटिन्यूटी तोड़ने का असर मैंने भुगत रखा है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी तरह ना करें, मैंने बीच में कंटिन्यूटी तोड़ दी थी, तो आप ज़रूर कंटिन्यू पढ़ें, चाहे एक घंटा पढ़ो, हर दिन पढ़ो, एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा। और नहीं भी होगा तो नॉलेज हो रहा है यार, नॉलेज आजकल सब लोगों को थोड़ी ना है, अपने नॉलेज के लिए पढ़ो, सिलेक्शन के लिए मत पढ़ो, है ना। और ये एबिलिटी होनी चाहिए कि चार लोग अगर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो तुम वहाँ पे खड़े होके उस चीज़ को मतलब सुन सको और तुम्हें जानकारी हो उस चीज़ की कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें वहाँ से हटना ना पड़े। तो इसलिए नॉलेज के लिए पढ़ो, सिलेक्शन एक ना एक दिन हो ही जाता है। और अगर तुम्हें नॉलेज है तो तुम और सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर सकते हो, ज़रूरी नहीं तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तो अच्छे से पढ़ो और तैयारी करो मेरी तरह।